डी मार्ट का अल्टीमेट टारगेट प्राइस 10,000 है, एंड आने वाले टाइम में ये कितना बढ़ेगा, कहाँ पे इसको एवरेज करना है, कहाँ पे बाई करते हुए चलना है या फिर सेल करना है, क्या रिकमेंडेशन है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस स्वागत है आपका अपने स्पेशल चैनल फिर से एक बार, जिसका हमें विजू स्टॉक मार्केट, बात करेंगे टारगेट प्राइस की बाद में। बट उससे पहले देखो न्यूज़ वगैरह थोड़ी सी, जो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आई है डी मार्ट को लेकर, उसको थोड़े सा स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले भाई टाटा मोटर, IRCTC, एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी मेटल्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, सारे के सारे मेटल स्टॉक कवर किए हैं, जाके एक बार वीडियो सेक्शन खोल लेना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट जरूर करना मेटल्स को। एंड एक स्टॉक ऐसा दिया है जो आपको 50% रिटर्न्स गारंटी है भाई, दिलवाएगा, वो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको मेटल्स, ठीक है। एक ऐसा मेटल मैंने दिया है जिसमें 50% रिटर्न गारंटेड है। तो डीमार्ट को लेके जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से सब लोग हुआ बना रहे हैं कि अब बढ़ेगा, अब इतना जाएगा, उतना जाएगा, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे भी पर्सनली बहुत सारे लोगों ने ये स्क्रीनशॉट भेजा, एक्चुअली ये लाइव मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये है, जो HDFC म्यूचुअल फंड है उनने नेक्स्ट जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसका जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है कि कौन कौन उसमें है, तो इन्होंने जो है यहाँ पर डीमार्ट को भी चूज़ किया हुआ है। तो आई विल शो यू इन्होंने कितना रखा हुआ है। तो देखो जो इन्होंने स्टॉक्स इंक्लूड किए हैं उसमें द टॉप स्टॉक इन द इंडेक्स है पर वेटेज, पहले पे InfoEdge 4% के आसपास, देन ये एवेन्यू सुपरमार्ट हमारा डीमार्ट, ठीक है 3.8% जो है यहाँ पे इनके नेक्स्ट 50 में हमारा होल्ड कर रहा है डीमार्ट। तो ये जो एक हाँ पॉजिटिव न्यूज़ है, ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे जो है CEO वगैरह ने पूरा ने लॉन्च कर रखा है, यहाँ पे जो HDFC AMC पूरा वहाँ पे लिस्ट वगैरह लॉन्च हुई है, एंड उसी लिस्ट में जो हमारा डीमार्ट का भी नाम यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ऑब्वियसली देखो लॉन्ग टर्म में ये अच्छी ही चीज़ें जो भी है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, बट करंटली क्या चल रहा है वो हमें चार्ट पे चल के समझना पड़ेगा। तो चार्ट पे चल के समझते हैं कहाँ पे इसको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, सब कुछ क्लियर देखते हैं। बट उससे पहले यार आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखो 4,300 पे था, तो मैंने भी पर्सनली यहाँ पे 3 शेयर्स बाई किए थे, ठीक है ओपनली दिखाते थे कि भाई 3 शेयर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 4,308 पे था जब, तो देखो जस्ट नाउ बॉट एवेन्यू सुपरमार्ट 4,307, टारगेट आराम से 3-5% कुछ ही दिन में चल जाएगा, और स्टॉप लॉस विल अपडेट व्हेन आई विल एग्जिट। तो क्लियर यहाँ पे ये चीज़ें बोली गई थी, एंड ये सितंबर 28, तो हाँ काफ़ी टाइम हो चुका है सितंबर 28, तो लिटरली 20 दिन लगे थे, एंड मुझे ही जितने मिल गए थे उतना आपको भी दिला दिया। देखो 30% के आसपास के रिटर्न हमने ऑलरेडी जनरेट कर लिए थे डीमार्ट में। उसके बाद मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, ये देखो एंड डीमार्ट के मेरे पास 3 शेयर था जो कि मैंने दिखा भी दिया था, मैंने 2 शेयर निकाल दिए, प्रॉफिट बुक कर लिया, 30% में हमने मस्त प्रॉफिट बुक करा है, एंड एक लगाया फॉर मीडियम टर्म एंड विल होल्ड, ठीक है। तो क्लियर बताया था, और लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने दे दिया था 6,500, अभी भी मेरा यही टारगेट है, 6,500 जाएगा ही जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इस टाइप की कॉल्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको मिलेंगे भैया, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो विजू स्टॉक मार्केट, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। आज ये चैनल फ्री है बट आप देख सकते हो जिस हिसाब से यहाँ पे कंटेंट है बाद में पेड कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आज आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो लाइफ टाइम आपके लिए चैनल फ्री रहेगा। तो फटाफट जाके अभी ज्वाइन करिए विजू स्टॉक मार्केट, जल्दी जल्दी जाके सर्च करिए, 8K से ऊपर सब्सक्राइबर है उसमें फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और फेक चैनल से बच के रहिए, वैसे तो आज तक शायद बना नहीं है बट बना होगा तो बच के रहना भाई, ठीक है। और इस टाइप की बहुत सारी कॉल्स यहाँ पे डिस्कस होती हैं, या तो मैंने 1 शेयर दिखाया, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे कितने शेयर मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, एंड आप भी चाहो तो अभी भी उनमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक और लिया, आदित्य बिरला कैपिटल लिया, ठीक है 75 शेयर लिए, करेक्ट दिखा भी दिया भाई 75 शेयर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसको बाई करते हुए चल सकते हैं, एवरेज 90 पे करेंगे, सब कुछ क्लियर मिल जाता है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बोलूंगा, 1 महीना मेरे बोलने पे इस चैनल को ट्राई करो, पसंद आता है वेल एंड गुड, नहीं आता लीव का ऑप्शन आपके पास हमेशा है, आप कभी भी चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आजकल ये चल रहा है कि डीमार्ट में सिर्फ सेलिंग चल रही है, एंड डीमार्ट को बेचने के बहुत सारे नीचे नीचे के टारगेट आए हैं, 2900 तक के टारगेट दे दिए हैं ब्रोकर्स ने, एंड मैं नाम नहीं लूँगा किसी का ब्रोकर का, आप जाके बस सर्च करिए डीमार्ट टारगेट प्राइस, बस इतना क्रोम पे जाके लिख दीजिए अपने गूगल पे, आपको मिल जाएगा किसने यहाँ पे 2900 तक के लेवल्स दिए हैं, ठीक है। तो हाँ भाई बिल्कुल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर चल रहा है, एंड मैकडी में क्लियर दिख रहा है कि अभी और गिरावट आएगी, ठीक है। क्लियर जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता शेयर तब तक ऐसे रहेगा। तो देखो अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि अब ये अपने ऑलमोस्ट स्पोर्ट पे स्पोर्ट भी ले रहा है, ठीक है 4400 का इसका इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, एंड उसी के आसपास यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे लास्ट जो आया था 4484 था आई थिंक यहाँ पे आया था, एंड 4417, ठीक है जितना भी इसी के आसपास मिला 4400 के आसपास स्पोर्ट ले रहा है। अब या तो ये होगा कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे मैकडी है, मैकडी को एक बार तो नीचे आना ही आना है, एंड जब तक वो नीचे नहीं आएगा तब तक शायद इसमें जो है अपवर्ड पोर्शन ना आए, बट मैकडी पे ही हम सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले यहीं पर कॉन्सोलिडेट कर दें, या तो हमें नीचे का लेवल दें और हम बिंदास इसको एवरेज करते हुए चलें, ठीक है। अब देखो
जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं मत प्लान करो, कोई और शेयर ले लो। आपको आदित्य बिरला दिखाया मैंने, वो जाके ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे शेयर्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वो सारे ले सकते हो, ठीक है। मेटल्स भी दिया है मैंने, मेटल्स भी देख सकते हो आप एक, बट शॉर्ट टर्म के लिए डीमार्ट को अभी मत परचेज करो, ठीक है। जब परचेज करना होगा वो लेवल भी दे देता हूँ मैं, देखो जब ये इस लेवल को क्रॉस करें, ठीक है, अपने लाइफ टाइम हाई को 5900 के आसपास, ठीक है, 5900 को क्रॉस करें विद वॉल्यूम, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाए 5900 के ऊपर, आप इसको बाई करते हुए चल सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑफ स्टॉप लॉस आप ये लेंगे 5618 का, ठीक है, बहुत नीचे का स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में ये है देखो 5, अगर करेंट बताऊँ तो 5600 का स्टॉप लॉस लेना आप, ठीक है, 5600, क्योंकि यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया था तो ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है एक बार, ठीक है। जब इसको क्रॉस करें 5600 का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 3-5% के टारगेट के लिए। और एवरेज की बात करें जो ऊपर पे लेके फंसे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फिर 1 हफ्ता पर वेट जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट ये भी नहीं बोलूंगा कि अब इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, आप रखा हुआ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज कहाँ पे करना है, एवरेज पहले लेवल जो है 4400 था मेरा, जहाँ पे मैंने एवरेज बोला था, अब मैं वहाँ पे एवरेज बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो पहला एवरेजिंग बनेगा यहाँ पे दैट विल बी समवेयर अराउंड हेयर, जहाँ पे मैंने इसको पहली बार खरीदा था, ठीक है, अराउंड 4200, ठीक है, अगर करेक्ट बात करूँ तो ये है 4215 के आसपास के लेवल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 4200 के आसपास जो है इसकी पहली बाइंग बनेगी। मैं भी ऑब्वियसली वहीं पे खरीदूंगा, एक शेयर मेरे पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड उसको मैं मीडियम टर्म के लिए जैसे मैंने बताया वो छोड़ दूंगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे अभी भी है 6500, ठीक है, बाकी ये लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म अगर वैसे बात करें 5-10 साल में तो देखो 10,000 जाने जाने वो सबको पता है, बट इतना लंबा मैं प्ले नहीं करवा रहा, बस 6500 तक हम होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे क्या सिचुएशन है, ठीक है। 4200 इसका पहला एवरेजिंग लेवल या बाइंग लेवल रहेगा आपके लिए, और दूसरा जो लेवल रहेगा यहाँ पे दूसरा रहेगा आपके लिए 3800 के आसपास, ठीक है, 3800 के आसपास, 3800 से लेकर 3850 के बीच में आप इसको बाई करते हुए फिर से चल सकते हैं, ठीक है, ये होगा हमारा सेकेंड एवरेजिंग लेवल। एंड जो लास्ट एवरेजिंग लेवल होगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे, इन केस बहुत ड्रेस्टिक मूव हो जाता है एंड कुछ गिर जाता है तो 3400 तक ये शेयर जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट इसको मिल जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा पर्सनली मुझे नहीं लगता है नीचे जाएगा। इन केस जाता है तो और एवरेज मत करना, ठीक है, इसके नीचे जा रहे तो कंडीशन वर्स है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो फिर हम जो इसमें स्टॉप लॉस लेंगे या तो फिर एग्जिट का प्लान करेंगे अगर 3400 के नीचे भी ये टूट रहा है बहुत वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम के साथ नहीं टूट रहा होगा तो फिर बिंदास 2900 पे एवरेज करेंगे, वरना एवरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स है जो इसमें रहेंगे, 3-4 लेवल मैंने दिया जहाँ जहाँ पे आपको एवरेज करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये शेयर इतना बड़ा है तो आप बड़े बड़े एवरेजेस तो नहीं कर सकते, जो रिटेलर है उस पर लिमिटेड पैसा है, तो आप बस एक एक शेयर खरीदते हुए चलिए इन लेवल्स पर, ठीक है, जो मैंने लेवल दिए, तो मतलब 4 बार आपको शेयर खरीदना, मतलब 4-5 शेयर आप खरीदिए इसके फॉर द लॉन्ग टर्म हॉरिजन, यू कैन टेक इट, 6500 का टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है, एंड 4-5 शेयर आप ले सकते हैं। 3-4 लेवल मैंने दे दिए आपको, 4-5 लेवल यहाँ यहाँ पर आप लोग इसको बाइंग कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी करूँगा, जब भी करूँगा टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा कि भैया मैं खरीद रहा हूँ इस शेयर को, ठीक है, आप चाहो तो जब भी मैं बाई करूँ तब आप लोग भी बाई इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, तब तक ले बाय, ये होस्ट है दोस्त ऑनलाइन ऑनली विशाल सुशील। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज है, तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।